इतिहास के सुनहरे पन्नों में नाम दर्ज कराने वाले क्षत्रिय शिरोमणि महामानव महाराणा प्रताप को आज भी लोग पूर्ण भाव श्रद्धा से याद करते हैं। उनकी जयंती की गूंज समूचे देश भर में उसी प्रकार से सुनाई देती है जिस प्रकार महाराणा ने वीर योद्धा होने का परिचय समूचे संसार को दिया था। कान्हा की नगरी मथुरा में भी उनके अनुयायियों ने महाराणा प्रताप की 779वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराणा प्रताप वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया, जिसमें क्षत्रिय समाज के साथ साथ विभिन्न समाज व धर्मों के सम्मानित प्रबुद्ध जनों ने विशाल शोभा यात्रा के द्वारा समाज में एकता और अखंडता का संदेश देने का काम किया। शोभा यात्रा की दर्जनों झांकियों ने समूचे क्षेत्रवासियों का मन मोह लिया। शोभा यात्रा में घोड़े ऊंट बग्घियों ने समा बांध दिया। हर तरफ जय महाराणा जय भवानी जय क्षत्रिय समाज के नारे गूंज रहे थे। महाराणा की झांकी को विशेष रूप से सजाकर उनके अनुयायी स्वयं रथ में सवार होकर नगर भ्रमण को निकले थे। शोभा यात्रा का शुभारंभ मथुरा कोतवाली क्षेत्र के भगत सिंह पार्क से हुआ और भरतपुर गेट कोतवाली रोड होली गेट विकास बाजार से निकली, जहां जगह जगह शोभा यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस शोभा यात्रा का समापन डैम्पियर नगर स्थित भगत सिंह पार्क पर किया गया। शोभा यात्रा के जरिए एक समाज में संदेश देना चाहते हैं कि महाराणा प्रताप जी ने जितना त्याग किया है, जितनी उनने इस समाज के लिए अच्छाइयाँ दी हैं, हम उस मैसेज को पूरे समाज में पूरे देश में फैलाना चाहते हैं कि इसको क्षत्रिय एकता विशेषकर राजपूतों से जोड़ दिया गया है। वास्तविकता है कि महाराणा प्रताप जो थे भारतीय स्वाधीनता के अग्रदूत रहे हैं। आज महाराणा प्रताप की शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखो, महाराणा प्रताप जी की 479वीं जन्म पुण्यतिथि पर क्षत्रिय राजपूत महासभा द्वारा ये एक भव्य आयोजन किया जा रहा है। इससे एक राजपूत समाज, राजपूतों में अन्य दबे कुचले पिछड़े सबके आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु ऐसे सांस्कृतिक आयोजन होने चाहिए। मैंने युवाओं को जिन्होंने कार्यक्रम किया है उनका आभार प्रकट करता हूँ। क्षत्रिय के लिए एक बड़ा भव्य पर्व माना जाता है। हमारे महाराणा प्रताप जी की जो जयंती है उसके अवसर पर हम एक शोभा यात्रा जो वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आयोजन हुआ है, अभी हमने ये रूप दिया है, लेकिन आगे जाके ये रूप इस तरीके का होगा कि शायद पूरे मथुरा जगमग हो जाएगा। और शिक्षा के प्रति हम देखते हैं कि जैसे शिक्षा हमारा मेन उद्देश्य है, तो शासन से ये भी सोचूंगा कि शिक्षा के अंदर महाराणा प्रताप जी का पूरा व्याख्यान, पूरी जीवनी, बायोग्राफी इंग्लिश अथवा हिंदी, उर्दू सभी में उसका दिया जाए। त्याग, तपस्या और बलिदान को क्षत्रिय धर्म की पहचान बताने वाले क्षत्रियों ने इस अवसर पर असहाय और कमजोर पर अत्याचार ना करने और ना होने देने का संकल्प भी लिया। समाचार सिटी 24 के लिए मथुरा से राहुल राघव की रिपोर्ट।